2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा जिले का मेडिकल कॉलेज लाखन सिंह। नगर की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल ने दिया ज्ञापन। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री एवं दिव्यापुर के विधायक लाखन सिंह राजपूत ने नगर पंचायत दिव्यापुर परिसर में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान नगर के प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की कमेटी ने उन्हें नगर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष दिव्यापुर अरविंद पोरवाल ने नगर से होकर गुजरने वाले नाले की समस्या को लेकर एक पत्र मंत्री जी को सौंपा, जिसको लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारी को तत्काल निर्देश दिए। पत्रकारों से बात करते हुए राज्य मंत्री ने बताया कि बर्मूपुर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का कार्य 2022 तक पूरा हो जाएगा। बताया कि नगर से होकर गुजरने वाले बाईपास, मेडिकल कॉलेज, बस अड्डा सहित जनपद की अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट कर उन्हें बताया, जिनको समय से पूर्ण कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि इसको पूर्ण कराने के लिए धन दिया जा चुका है, जल्द ही शेष धनराशि उपलब्ध हो जाएगी। इस बारे में कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत दिव्यापुर को नगर पालिका बनाने के लिए शासन तक पत्रावली पहुंच चुकी है। हाल ही में शासन द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एक सर्वे में छोटे कस्बों को नगर पंचायत में परिवर्तन की प्रक्रिया चलाई गई है, जिसके लिए लगातार सर्वे भी किए गए और नगर पंचायतों को नगर पालिका में जरूरत के हिसाब से बदला जाएगा। कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि इसकी स्वीकृति के लिए शासन तक मंजूरी के लिए पत्रावली पहुंचाई गई है। आने वाले समय में नगर पंचायत को नगर पालिका में बदला जा सकता है। वहीं कृषि बिलों को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि बिल पर विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही बता दिया कि कृषि बिल किसानों के हित के लिए है और आने वाले समय में किसानों को इसमें लगातार लाभ मिलेगा। निर्माण का काम कब शुरू होगा और इसके लिए शासन द्वारा कितना रुपये अभी तक जारी किया गया? देखिए, 20 करोड़ रुपया की पहली किस्त जारी हुई थी और मेडिकल कॉलेज के लिए जो एस्टीमेट गया था उसका कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसका स्वीकृत हो गया है और उसका डाइंग का काम लगभग कॉन्ट्रैक्ट उठ चुका है और डाइंग बन के जैसे ही आ जाएगा वैसे ही इसको मार्च 2022 तक डेट फिक्स की गई है कि इसका निर्माण कम्प्लीटली मार्च 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। सर, अभी हाल ही में नगर पंचायत जो भी हैं उत्तर प्रदेश में उनको शासन द्वारा नगर पालिका में बदलने की कोशिश की जा रही है, बदला जाएगा। इसके लिए क्या दिल्ली को नगर पंचायत को भी नगर पालिका में क्या बदला जाएगा, क्या पारित किया जाएगा? हाँ, देखिए, दिल्लीपुर नगर पंचायत का भी प्रस्ताव जा रहा है नगर पालिका बनाने के, नगर पालिका परिषद बनाने के लिए सर। और जैसे ही प्रस्ताव पहुंच जाएगा तो शासन की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पंचायतों को नगर पालिका परिषद के रूप में परिवर्तित करने का सरकार का प्लान है। सर, अभी लास्ट में कि बस स्टैंड का जो पारित किया गया था, उसका कार जो उद्घाटन भी किया गया था, तो उसमें भी सुनने में आ रहा है कि कुछ हद तक वहाँ पर विवाद की स्थिति भी बनी हुई, उसका क्या इसको किस नहीं, नहीं। बस अड्डे की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और बस अड्डे का बड़ा प्रगति के आधार पर काम भी वहाँ पर चल रहा है और शीघ्र ही उसका निर्माण करके काम पूरा किया जाएगा। सर, ये बिल को भी कृषि बिल भी पास किया गया, उसमें खासतौर से बिल के MSP बिल के विवाद चला और लगातार उस पर किसान आंदोलन भी कर रहे हैं कि ये जो बिल पास किया गया खासतौर से उद्योगपतियों के लिए लाभदायक है और उसमें जो लाभ उठाएंगे वही लाभ उठाएंगे, तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए? देखिए, जो विपक्षी राजनीतिक दल किसान बिल के संबंध में किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है और बार बार राष्ट्रीय कृषि मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा विस्तार से इस संबंध में उद्बोधन भी आया था और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि MSP पहले भी थी, अब भी रहेगी, आगे भी रहेगी, किसी भी प्रकार से MSP खत्म नहीं की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भ्रमित किया जा रहा किसानों को कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की खेती चली जाएगी। APMC एक्ट और एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट में किसानों को स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी देश के कोने में अपने उत्पादन को जहां उनका रेट अच्छा मिल रहा है वहां बेच सकते हैं। ये भ्रमित करने का प्रयास विपक्षी राजनीतिक दल सिर्फ अपना वोट बैंक का आधार बनाने के लिए कर रहे हैं, कहीं जमीन पर उनका कोई भी नहीं है। अब बहुत से किसान संगठनों ने इस बिल का तहे दिल से समर्थन भी किया है और आप देख रहे हैं कि पूरा जो प्रधानमंत्री जी का उस दिन का उद्बोधन था, सारे किसानों से किसानों के बीच में बैठ के वार्ता की गई है
और जो लोग इनको किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उनके कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और ये लोग दबाए बैठे रहे। आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में बिल पारित करके किसानों को लाभ देने का काम किया जा रहा है, आज ये विरोध कर रहे हैं। जबकि इन्होंने किसानों के हित में अपने कार्यकाल में न तो समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया और न कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कोई काम। अच्छा सर, चाहे वो नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो, जिस तरीके से एक दूसरे पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या ये राजनीति के लिए सही है सर? नहीं, कतई किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को संसदीय भाषा में बोलना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था यही है। यदि वो करते हैं तो जनता उनको समझ रही है, निश्चित रूप से उनको जवाब देती है। थैंक यू।